आज मैं बात करने वाला हूँ वियतनाम के थ्री मंथ्स के मल्टीपल एंट्री प्लस सिंगल एंट्री व्यूसा के लिए वियतनाम ने रिसेंटली लॉन्च करा ऑन फिफ्टीन ऑगस्ट सो मेरे जैसे लोग जो कि नोमैट्स हैं सस्ते में घूमना चाहते हैं चीप एंट्री में घूमना चाहते हैं एंड इवेंचुअली वी नीड अगेस्ट स्टे राइट So for us, Vietnam is the best option. So I'll be living in Vietnam for last almost one year. Why I would say more than one year. And for me, it's really hard to stay here because हर महीने मेरे को visa के लिए visa run करना पड़ता था. जिन लोगों को नहीं पता visa run क्या होता है, let's say किसी like so country की policies कुछ ऐसी हैं जहाँ पे एक foreigner एक महीने से ज़्यादा stay नहीं कर सकता, दो महीने से ज़्यादा stay नहीं कर सकता. तो what वो क्या करते हैं? Usually दूसरी country में entry करते हैं. वह दो तीन दिन रुकते हैं एंड कम बैक टू सेम कंट्री दिस इज कॉल द वीजा रन सो मैं वो एक साल से कर रहा हूँ जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है नॉट एट ऑल अफोर्डेबल सो अगेन आई एम सेइंग पंद्रह अगस्त से वियतनाम सॉरी वियतनाम गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट कर दिया है थर्टी डेज सिंगल एंट्री वीज़ा प्लस आप उसमें मल्टीपल एंट्री चूज़ कर सकते हैं अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने रुपए का मेरे को वीजा मिलेगा एज वी नो दैट करेंटली विथ ऑम इज वीशिंग वन मंथ जो कि हम स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं फॉर लास्ट वन ईयर और आई वुड से जस्ट आफ्टर पैंडेमिक जो कि पच्चीस डॉलर का था अप्रॉक्सीमेटली इक्कीस सौ बाईस सौ रुपये जो नया वीज़ा इन लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस किया है अगेन फॉर नाइन्टी डेज उसका कॉस्ट भी सेम है सिंगल एंट्री ट्वेंटी फाइव डॉलर अगर आप उसमें मल्टीपल एंट्री चूज़ करते हो जो कि पचास डॉलर का मिलेगा सो so, मैं यूजली सिंगल एंट्री लेता हूँ आई वुड आई स्पेंड ऑलमोस्ट डबल ऑफ इट राइट अगर मेरे को यहीं पर रहना है राइट right? सो so, मेरा वीज़ा पंद्रह मिनट पहले जैस अप्रूव हो गया है जो कि मैंने पंद्रह तारीख को अप्लाई किया था वाई अप्लाइंग दिस वीज़ा नई वेबसाइट है लोकल लैंगवेज में है एंड उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में एंड देर अल ऑफ कन्फ्यूजन सारी लैंग्वेजेस करेक्ट नहीं आ रही है उसमें अल ऑफ एड आई फेस बट इवेंचुअली माई एप्लीकेशन गड आई पे द मनी फॉर सिंगल एंट्री डेट इज ट्वेंटी फाइव डॉलर इवेंचुअली टूडेल्व आई माई वीज़ा अप्रॉक्सीमेटली इसको तीन दिन लगे एंड इवन दो जो हमारा एमबेसी है इंडिया में वियतनाम एमबेसी उन्होंने भी अपनी वेबसाइट आज अपडेट करी है वहाँ पे सारी चीज़ें मैंशन करी हुई हैं अगर आपको देखना है तो देख सकते हो सो so, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वियतनाम का नाइन्टी डेज का सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीजा कैसे अप्लाई करना है राइट right? कोई भी इशू हो यू कैन यूज कमेंट कमेंट बॉक्स और मोर ओवर यू कैन जस्ट आई वे ई मेल मी और यू कैन डॉपमिया मैसेज होगा इंस्टाग्राम डेफिनेटली आई बी हेल्पिंग योर अभी तक यूट्यूब पर इस पर कोई वीडियो आई नहीं है और आई वुड से किसी लोगों ने बनाई है जो कि नोमेट्स हैं उन लोगों ने वीडियोज़ बनाई है बट किसी को अभी तक एक्जैक्टली वीज़ा मिला नहीं है सो आई वॉज वेटिंग फॉर माई जर कि मेरे को जैसी वीज़ा मिलेगा सो आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू गाईज बट अगैन जस्ट वीज़ा मिला है सो अब हम वीडियो बना सकते हैं सो ले मे श्योर माई स्क्रीन तो सबसे पहले हमको वेतनाम एम्बेसी न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर जाना है ठीक है वहाँ से हमको एग्जैक्ट डिटेल्स मिलेंगी कि हमको कैसे अप्लाई करना है और कौन सा लिंक हमको यूज़ करना है सो एज़ यू कैन सी इन लोगों ने अभी अपना वेबसाइट अपडेट करा है लेटेस्ट वीज़ा सो हम इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ लिंक और टाइप्स ऑफ सो so, वेतनाम एम में ने क्लियरली मैंशन करा हुआ है कि ये पुराना लिंक है जिससे हम एक महीने का पच्चीस डॉलर का सिंगल एंट्री अप्लाई करते थे एंड दिस इज अ सेकेंड लिंक फॉर मल्टीपल एंट्रीज फॉर नाइन्टी डेज तो हम इस पर क्लिक करेंगे अब ये वेतनाम की एक लोकल वेबसाइट है अब लोकल कैसे इसका एग्जाम्पल दूँ मैं आपको जो हमारे इंडिया में परिवहन विभाग की जो वेबसाइट है जिससे हम अपने लाइसेंस रीन्यू वगैरह कराते हैं तो ये वेतनाम की एक लोकल वेबसाइट है तो इसी के साथ फॉरनर्स का वीज़ा इंटीग्रेट कर दिया है इसलिए लोकल लैंग्वेज में सबसे पहले आप इसको ऊपर जाके राइट right साइड में इसको कन्वर्ट करोगे इंग्लिश में ठीक है एंड नाउ हमें अप्लाई क्लिक करना है सबमिट एप्लीकेशन पे। रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट यू नीड टू फिल दिस फॉर्म ठीक है सिंपल फॉर्म है पुराने फॉर्म की तरह यहाँ पे अपनी आप पासपोर्ट की फोटो अपलोड करोगे एंड द बायो पेज मेक श्योर दोनों पी डी एफ में हो अच्छी क्वालिटी में हो दैन वेरी इंपॉर्टेंट यू न्यू टू पुट योर ई मेल आई डी उस पर ओ टी पी पे, पे सेंड करोगे ओ टी पी आपको रिसीव होगा ओ टी पी डालना है आपको ई मेल आई डी कन्फर्म करना है इस अगर ये नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा ये नेक्स्ट योर सर नेम एज पर दासपोर्ट फर्स्ट नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ नेशनलिटी प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो आप और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल सकते हो इट्स अप टू यू योर रिलीजन क्या आपने कोई दूसरा पासपोर्ट यूज़ कराया कभी कर इतना मैटर करने को कराया तो येस yes, नहीं तो नो no, मैंने नहीं किया है मल्टीपल नेशनलिटीज़ नो कोई वायलेशन आपने इंडिया और में करा है मैंने तो नहीं किया तो उसकी पट ब्लैंक ये है ऑप्शन सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री के लिए तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री सिंगल एंट्री इज़ फॉर ट्वेंटी फाइव डॉलर मल्टीपल एंट्री फॉर फिफ्टी डॉलर्स दैन वीजे का ड्यूरेशन तो यहाँ से आप डेट पिक कर सकते हो लेट्स से so, कि मैंने अप्लाई किया था ट्वेंटी थर्ड ऑफ सॉरी आई एम कमिंग बैक टू वियतनाम ऑन थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर राइट उधर से आप अगर, अगर काउंट करोगे तो सेकेंड ऑफ दिसंबर होता है तीन महीने तो ये ऑटोमेटिक ले, ले लेगा अगर नहीं लेता ऑटोमेटिक तो यू कैन ऑल्सो बोट मैनुअली ठीक है दैन पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी पासपोर्ट पासपोर्ट नंबर पास प्लेस ऑफ इशू कहाँ से इशू है डेट ऑफ इशू का भी इशू है आपका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट के दूसरे पासपोर्ट आपके पास है या नहीं है तो यस नहीं तो नो दैन कॉन्टैक्ट इन्फॉमेसन यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालोगे एंड एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पुट योर फैमिली मेम्बर्स की जो भी है भाई ब्रदर बहन सिस्टर जो भी है दैन नेक्स्ट वी हैव करेंट ऑक्यूपेशन अभी आप क्या करते हो वर्किंग हो बिजनेस है प्राइवेट नौकरी है अनएम्प्लॉयड है जो भी यहाँ पर सारे ऑप्शन दे रखे हैं नेक्स्ट पर्पस ऑफ एंट्री यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आएंगे तो आप इसमें टूरिज्म पिक करोगे अगर आप बिज़नेस वगैरह गलती से पिक कर लेते हो तो दे, दे विल आस्क यू फॉर द अप्रूवल लेटर फ्रॉम अ लोकल गारंटियर वेतनाम में कोई भी अगर आपका लोकल गारंटियर है जो आपको बिज़नेस के लिए बुलाना चाहता है उसकी साइड से एक लेटर लगेगा जो कि हमारे पास नहीं है तो मेक श्योर आप टूरिज्म यूज़ करें टूरिज्म में आपको कुछ अपलोड नहीं करना आफ्टर डैट किसी एजेंसी के थ्रू आप आ रहे हो नहीं आ रहे हैं इन टेन ड्यूरेशन ऑफ स्टे नाइन्टी डेज डाल सकते हो इन डे ऑफ एंट्री कब आओगे कहाँ से आओगे एंड कहाँ से एग्जिट करोगे सी एक चीज़ मैं पे बताना चाहूँगा बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अगर आप वेतनाम आते हो जिस पोर्ट ऑफ एंट्री से आपने एंट्री ली है इट्स मैंडेटरी आपको वहीं से एग्जिट लेनी पड़ेगी बट इट्स मिथ ऐसा कुछ नहीं होता मैं पिछले एक साल में नौ बार आई वुड से दस बार वियतनाम आ गया हूँ ठीक है और मैंने हमेशा दूसरे पोर्ट से एग्जिट लिया है कभी भी मैंने सेम पोर्ट से नहीं लिया सो इट्स अ अंथ मान सकते हैं कि किसी बंदे को बोर्ड करने नहीं दिया हो बोर्डिंग पास नहीं दिया हो मे बी कोई और रीज़न हो राइट बट ये रीज़न नहीं हो सकता सो बी फ्री फॉर दैट ओके नेक्स्ट योर एड्रेस इन वियतनाम प्रोवेंस डिस्ट्रिक्ट वार्ड सो so, वार्ड में कन्फ्यूज मत होना जो भी आपका होटल का एड्रेस है उसको गूगल पे लिखना वहीं पे आपको वार्ड मिल जाएगा तो यहाँ पे आप वार्ड लिखोगे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर इन वियतनाम आप डाल सकते हो अपने होटल का देन इस पर आपको क्लिक करना है अगर एक साल में वियतनाम आए हो लास्ट वन ईयर में तो उसकी डेट डालनी कब से कब तक आए थे ठीक को है कोई yes no? रिलेटिव आपका वियतनाम में है ये नो अकॉर्डिंगली देन अगर आपके चिल्ड्रेंस है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है आपको तो ये नई चीज़ें हैं ट्रिप एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कितने पैसे खर्च करोगे वियतनाम में अपने ड्यूरिंग योर स्टे तो मैंने इसमें तीन थाउजेंड डॉलर डाला था थ्री थाउजेंड डॉलर डाला था बिकॉज वन थाउजेंड डॉलर पर मंथ एक जस्ट था एस्टिमेट तो वो चेक नहीं करते बट यहाँ पे डालना पड़ता है ये दिस इज समथिंग न्यू हु विल कवर योर ट्रिप कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है आप खुद खुद से कर रहे हो या आपके फादर कर रहे हैं उसकी डिटेल्स में आएंगी क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो मैंने ढाई सौ रुपये का एक हेल्थ इंश्योरेंस लोकल ले लिया था बिकॉज दिसट मे भी वो चेक करें राइट बट आई डोट थिंक से चेक करते हैं तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डाल सकते हो येस और नो का ऑप्शन है येस तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस का नंबर प्लस उसका कवर डालोगे अदरवाइज नो ठीक है दैन नेक्स्ट प्लेस ऑफ रिक्वेस्ट इंडिया आएगा मेरे केस में वतनाम लिखा था क्योंकि मैं वेतनाम में भी हूँ नेक्स्ट वी हैव डेट ऑटोमेटिकली और ये सारी डिटेल्स आपके बाद फिल करने के बाद आपको इस पर एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो ये एप्लीकेशन का एक रिव्यू आपके पास आएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि रिव्यू पेज कैसा दिखता है क्योंकि मेक श्योर ये सारी डिटेल्स आप अच्छे से भरो कोई कन्फ्यूजन आती है कमेंट डाउन करो नीचे मैं आपको आंसर करूँगा लेट मी शो यू माय एप्लीकेशन जो मैंने फिल करा था सो लेट मी पुट द कैप्चर ओके तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फ़िल करते हो उसके बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा ठीक है पुराने की तरह जैसे पुराने आया था तो आपको सिंपली पेमेंट करना है अगर सिंगल एंट्री है तो ट्वेंटी फाइव डॉलर का पेमेंट होगा मैं अपना नियो कार्ड यूज़ किया था आप अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है यूज़ कर सकते हो मल्टीपल एंट्री फॉर फिफ्टी डॉलर पचास डॉलर आपको पे करने पड़ेंगे फॉर नई डिटेल अगर मल्टीपल एंट्री चाहिए तो पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरीके से आप जब इसको ट्रैक करोगे गिवन लिंक्स से कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा ये आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाएगा मेक श्योर आप इस, इसका एक मेल भी आपके पास आएगा बट इसका आप स्क्रीन शॉट ही लेना जैसे इनकेस मेल ना, ना है तो और यहाँ से करके आप ट्रैक कर सकते हो कि क्या चल रहा है आप, आपके एप्लीकेशन में जैसे कि मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ आप देखो यहाँ पे एक दिक्कत है दिक्कत क्या है इंग्लिश में ये दिखा नहीं रहा सारी चीज़ें मैं आपको फिर भी बता देता हूँ पर्सनल ने लास्ट ने कब मैंने वीज़ा फाइल किया था पंद्रह तारीख को किया था पेमेंट मेरी कब हुई थी पंद्रह तारीख को मैंने किया था एंड इसका जो रिज़ल्ट है कल देट मीन्स अठारह तारीख को आया था यहाँ पे टाइम फोर्टीन लिखा है दो बज के सात मिनट बट मेरा शाम को आया था अब बेसिकली मैं आपको एक बार अगेन एक सेकेंड मैं आपको ना स्टेटस दिखाता हूँ कि कैसे स्टेटस चेक करने की आपकी एप्लीकेशन में चल गया है लोकल तो वेबसाइट है यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो मैं इसको ऐसे करके देखूंगा तो देखो पंद्रह तारीख को एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और अठारह तारीख को मेरा वीजा आ गया अब पता कैसे चलेगा कि वीजा आया नहीं आया तो आपके पास दो मेल आएंगे सबसे पहले तो इस वेबसाइट के साइड से आपको ये मेल भेजेंगे कि आपका वीजा अप्रूव हो गया साथ तो हो है साथ में उसका पी होगा ठीक है फिर आपके पास एक और मेल आएगा इफ़ यू रिमेंबर जो हमारी लास्ट वेबसाइट थी जिससे हम एक महीने का अप्लाई करते थे जब वो लोग वीज़ा अप्रूव करते थे तो वो भी एक मेल भेजते थे राइट सेम मेल आपको वहाँ से भी आएगा तो आप जो मेल आएगा वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो अगेन आपका वीज़ा घुटू हुआ है और जो भी वैलिडिटी है वीज़ा की जो मैंने आपको बताई कि तीन से मैंने एंट्री लूँगा दो को मेरा एक्सपायर होगा दो दिसंबर को तो इसमें दे रखा है तो दिस इज हाउ यू अप्लाई वेतनाम थ्री मंथ वीज़ा मेरे को पता है कि वेबसाइट में थोड़ी दिक्कत आएगी बिकॉज ऑफ लैंग्वेज पर मेक श्योर sure कि अभी वेबसाइट सही चल रही है बी फील फ्री टू अप्लाई कोई इशू नहीं है कोई भी दिक्कत आती है हम मेरे को नीचे कमेंट करो और मे बी मेरे को इंस्टाग्राम पे डी एम करो आई बी हेल्पिंग योर नॉट नॉट एनी इशू विद बट येस दिस इज़ अ बिग एंड गुड न्यूज़ कि वे तीन महीने का वीजा आप दे रहे हैं तो यू शुड इन्जॉय एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई पुट सम इन Enjoy. Bye-bye.